हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात। आज का हमारा मोटिवेशनल क्वोट है, परिस्थितियाँ जितना ज़्यादा आपको तोड़ती हैं उतना ही ज़्यादा आपको मजबूत भी बनाती हैं। परिस्थितियाँ जितना ज़्यादा आपको तोड़ती हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको मजबूत बनाती हैं। फ्रेंड्स, परिस्थितियाँ कंडीशंस समय के साथ बदलती रहती हैं। कभी अच्छी परिस्थिति आती है, कभी खराब परिस्थिति आती है। तो हम जितनी ज़्यादा परिस्थितियों से टूट जाते हैं कि हमेशा ही यार विपरीत परिस्थितियाँ बनी रहती हैं, कभी अच्छी स्थिति तो आती नहीं है, तो आप जितनी ज़्यादा विपरीत परिस्थितियों से गुजरोगे, प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजरोगे, उतना ही आप अंदर से मजबूत होते जाओगे। तो हमेशा परिस्थितियों से लड़ना सीखना आपको आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम लोग हमारे टॉपिक को कंटिन्यू देखेंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की सामान्य जानकारी हम लोग पढ़ रहे थे, जो कंपटीशन एग्जाम को फाइट करने से पहले जनरल साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अति महत्वपूर्ण है आप सब लोगों के लिए। तो उसमें आज हम पढ़ेंगे रासायनिक बंध, क्योंकि हम लोग एटम के बारे में जितनी भी जानकारी हमें प्राप्त होना आवश्यक है, जरूरी है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। और अब हम देखेंगे कि जो तत्व है उसके ऊपर क्या क्या प्लस वन माइनस वन ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती हैं, वो भी हम लोग बात कर चुके थे, और किस प्रकार से अणु का फॉर्मेशन होता है, जो चार्ज है वो ट्रांसफर होकर अणु का निर्माण करते हैं, अणुसूत्र का निर्माण करते हैं, वो भी हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक बंध, क्योंकि जो आयंस होते हैं वो आपस में अभिक्रिया करते हैं, या फिर परमाणु होते हैं ये आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो अलग अलग प्रकार के क्या बनाते हैं, रासायनिक बंध बनाते हैं। और उसमें हम तीन प्रकार के बॉन्ड्स की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आयनिक बंध, और उससे मिलकर जो यौगिक बनेंगे वो हो जाएंगे आयनिक यौगिक। और फिर हम पढ़ेंगे सहसंयोजक बंध, और उससे मिलकर बने हुए यौगिक कहलाएंगे सहसंयोजक बंध। और फिर हम लोग तीसरे प्रकार के जो यौगिक या फिर बंधों की बात करेंगे, तो वो हो जाएगा उप सहसंयोजक बंध, और उनसे बने हुए यौगिक क्या कहलाएंगे, उप सहसंयोजक यौगिक कहलाएंगे। तो इसको हम लोग पहले एक टेबल के माध्यम से देखेंगे, और फिर हम एक एक प्रकार के रासायनिक यौगिकों की बात करेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। रासायनिक बंध, अब इससे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि रासायनिक बंधों का निर्माण, केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन क्यों होता है। तो आपको पता है कि प्रत्येक तत्व जो है ये क्या करना चाहता है, स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है, एक स्टेबल कंडीशन में आने की कोशिश करता है। इसी कारण से क्या होता है, रासायनिक बंधों का निर्माण होता है। तो जब ये बंध बनते हैं तो इनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और इनका जो स्थायित्व होता है, इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। तो जब किसी यौगिक की ऊर्जा कम होगी तो उसका स्थायित्व क्या होगा, अधिक होगा। तो अपना स्थायित्व बढ़ाने के लिए किसका निर्माण होता है, रासायनिक बंधों के द्वारा विभिन्न तरह के कंपाउंड्स का निर्माण होता है। जैसे हम लोग जनरली हमारे अगर लाइफ की बात करें तो हर बंदा ये चाहता है कि मेरी लाइफ स्टेबल हो, मैं अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लूं, तो वो इस तरह की कोशिश करता है कि उसकी लाइफ क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, सिक्योर हो जाए। तो इसी प्रकार से जो परमाणु होते हैं, जो आयंस होते हैं, ये भी स्थायित्व प्राप्त करने के लिए किसका निर्माण करते हैं, रासायनिक बंधों का निर्माण करते हैं। तो रासायनिक बंध क्यों बनते हैं, इसका रीजन आपको क्लियर हो गया होगा, तो मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ। रासायनिक बंध के निर्माण से ऊर्जा में कमी और क्या होता है, स्थायित्व में वृद्धि होने के कारण किसका निर्माण होता है, रासायनिक बंधु का निर्माण होता है। और इसको हम लोग, इस संबंध को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि स्थायित्व जो होता है, स्टेबिलिटी जो होती है, ये क्या होती है, ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होती है, एनर्जी के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि जब ऊर्जा ज्यादा होगी तो स्थायित्व कम होगा, और जब एनर्जी कम होगी तो स्थायित्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं सबसे
पहले आयनिक बंदूकें, तो यहाँ पर पहले मैं टेबल के माध्यम से बता देती हूँ कि कौन कौन से तीन प्रकार हैं। तो पहला हो जाएगा आयनिक बंद, आयनिक बंद, और इनसे जो मिलकर बने हुए यौगिक होंगे वो क्या होंगे? आयनिक यौगिक होंगे, आयोनिक कंपाउंड। दूसरे प्रकार के हम लोग अगर बात करें बंद की या यौगिक की, तो वो हो जाएगा सहसंयोजक। इसको इंग्लिश में भी आयोनिक ही बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। ये हो जाएगा सहसंयोजक बंद। ये होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और यौगिक भी कौन से हो जाएंगे? सहसंयोजक यौगिक हो जाएंगे। और फिर सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे उप सहसंयोजक बंद। उप सहसंयोजक बंद और यौगिक, इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब सबसे पहले प्रकार के जो बंद हैं उनकी हम लोग बात करेंगे, तो उसमें है आयनिक बंद। तो इसमें किसका निर्माण होगा? आयंस का निर्माण होगा। और मैंने आपको बताया कि तत्व जो होते हैं ये दो प्रकार के आयनों का निर्माण करता है, धन आयन और ऋण आयन। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक धन आयन होगा, एक ऋण आयन होगा, और दोनों आपस में क्या होंगे? प्रबल आकर्षण बल के द्वारा बंद कर आयनिक यौगिकों का निर्माण करेंगे। तो इसके बारे में हम लोग लिख देते हैं, सबसे पहले आयंस का निर्माण और आयंस आपको पता है दो प्रकार के होते हैं, धनायन और दूसरे होते हैं ऋणायन। जैसे कि मैं यहाँ पर एक उदाहरण की बात करूं, जैसे कि सोडियम एक धनायन है और क्लोरीन एक ऋणायन है, ये आपस में अभिक्रिया करेगा और NaCl, तो इस प्रकार से जो NaCl होगा इनके मध्य कौन सा बॉन्ड होगा? आयोनिक बॉन्ड होगा। और ये यौगिक किस प्रकार का होगा? आयोनिक कंपाउंड होगा। अब यहाँ पर क्योंकि हम धनायन और ऋणायन का फॉर्मेशन कैसे होता है इसके लिए भी कुछ टर्मिनोलॉजी यूज में आती है, तो उसको भी हम आयोनिक बंध के साथ ही क्लियर करेंगे। तो आप देखो, धनायन का निर्माण कब होगा? जब कोई भी तत्व क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। तो यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी आती है आयनन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसकी परिभाषा ये होती है, जब किसी विलगित परमाणु के बाह्यतम कोष से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो उसके लिए जो एनर्जी दी जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयनन एंथैल्पी बोलते हैं। विलगित का मतलब जब परमाणु सेपरेट है, किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, और उसके माध्यम कोष में हम लोगों को एक इलेक्ट्रॉन निकालना है और हम जो उसको एनर्जी देंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयनन एंथैल्पी बोलते हैं। तो परिभाषा में बोलूंगी, यहाँ पर हम मेंशन नहीं करेंगे, इसको लिखेंगे नहीं। तो धनायन, तो यहाँ पर धनायन का निर्माण कैसे होगा? जैसे हमारे पास कोई तत्व है और इसको हम लोग क्या देंगे? आयनन एंथैल्पी देंगे। यहाँ पर और ये क्या करेगा? जब हम लोग ये आईपी देंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आईई भी लिख सकते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो इसको कभी कभार आईपी भी लिखा जाता है। और ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? धन आयन हो जाएगा। इसी तरीके से ऋण आयन के लिए भी एक टर्मिनोलॉजी आती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहाँ पर अपने को एनर्जी देनी पड़ रही है, लेकिन ऋण आयन का निर्माण कब होता है? जब कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो हम ये बोलेंगे
कि जब कोई विलगित परमाणु अपने बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो मुक्त हुई ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बोलते हैं। तो जैसे यहां पर हमारे पास कोई तत्व है वाई, और ये वाई तत्व क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो हमें पता है कि कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो माइनस वन हो जाएगा, और यहां पर जो ऊर्जा मुक्त होगी इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, एंथैल्पी से मतलब ऊर्जा से है, तो ये तो क्या होती है, मुक्त होती है, उत्सर्जित होती है, और यहां पर यदि हम इसकी बात करेंगे तो यहां पर आयनन एंथैल्पी का क्या होता है, अवशोषण होता है, यानी कि ऊर्जा हम लोग देते हैं उसको, तो ये अवशोषण हो रहा है, यहां पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, अब ये तो हो गई हमारे आयनिक बंधु का फॉर्मेशन हो रहा है और किस प्रकार से धनायन और ऋणायन का निर्माण हो रहा है। तो हमें पता है कि यहाँ पर चार्ज डेवलप हो रहा है, प्लस चार्ज डेवलप हो रहा है और माइनस चार्ज डेवलप हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आयनिक बंध जो होता है ये क्या होता है, प्रबल आकर्षण बल होता है, प्रबल विद्युत आकर्षण बल होता है, और ये बहुत ही क्या होता है, मजबूत होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि आयनिक यौगिक क्या होंगे, कठोर होंगे, ठोस प्रकृति के होंगे, तो इनका गलनांक क्वथनांक भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, अत्यधिक उच्च होगा। और यदि हम इनकी विलेयता की बात करेंगे तो क्योंकि ये ध्रुवीय हैं, ध्रुवीय का मतलब प्लस माइनस आ रहा है, तो ये किस प्रकार के विलायकों में विलय हो जाएंगे, ध्रुवीय विलायकों में विलय हो जाएंगे। और यदि हम लोग इनकी चालकता की बात करें तो ये विद्युत के कैसे होते हैं, सुचालक होते हैं, चाहे हम लोग ठोस अवस्था की बात करें या फिर हम लोग गलित अवस्था की बात करते हैं, दोनों ही अवस्था में जो आयनिक यौगिक होते हैं ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। तो इनके कुछ गुणधर्मों की बात करते हैं यदि हम लोग आयनिक यौगिकों के, तो आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहले हो जाएगा इनकी, यदि हम लोग प्रकृति की बात करते हैं तो अधिकतर कैसे होते हैं, ये कठोर ठोस रूप में पाए जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और यदि हम लोग बंध की बात करते हैं तो इन आयंस के मध्य प्रबल विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं बंध, आयंस के कारण आयंस के कारण प्रबल विद्युत आकर्षण बल उपस्थित अब आपको पता है कि जब इनके मध्य जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इनको गलाने के लिए या फिर इनको क्वथन करने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होगी। तो हम लोग ये बोलेंगे कि इनके गलनांक और क्वथनांक भी क्या होते हैं, अत्यधिक उच्च होते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रही हूँ, मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बिंदु और बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक बिंदु, ये क्या होते हैं, अत्यधिक उच्च होते हैं। और यदि हम इनकी विलेयता की बात करते हैं तो रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है क्योंकि इनमें आयंस हैं, ये ध्रुवीय हैं, इसलिए ये ध्रुवीय विलायकों में क्या होंगे, विलेय होंगे। तो यहां पर हम लोग विलेयता की बात करें,
यहाँ पर आप लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, समान समान को घुलता है। जैसे अगर आप पानी में कोई पानी के गुणधर्म जैसा ही पदार्थ मिला रहे हो तो मिल जाएगा आसानी से। जैसे फ्रेंड्स फ्रेंड्स जो होते हैं वो भी, अगर दोनों की नेचर समान है, दोनों की अगर सोच मिलती है तो उनकी दोस्ती अच्छी होगी, अगर दोनों के विचार नहीं मिलते हैं तो उनकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही है। अगर यौगिक ध्रुवी होगा तो ध्रुवी विलायक में विलय होगा, अगर यौगिक अध्रुवी है तो वो कार्बनिक यौगिक यानी कि अध्रुवी विलायकों में क्या होगा, विलय होगा। तो विलयता की बात करते हैं तो ध्रुवीय विलायकों में विलय हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इनकी चालकता, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि सीधे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयनिक यौगिकों की चालकता होती है, मतलब विद्युत के प्रति होते हैं चालक, कुचालक, सुचालक, इस प्रकार के जो ऑप्शंस आएंगे। तो ये ठोस और गलित दोनों अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। तो यदि हम चालकता की बात करते हैं कंडक्टिविटी, तो ठोस व गलित का मतलब जब हम लोग इसको पानी में मिलाते हैं, ठोस एवं गलित दोनों अवस्था में, विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि ये चालकता प्रदर्शित करते हैं, इनमें से विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक यानी कि अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। तो ये हमने पढ़ा आयनिक बॉन्ड और आयनिक यौगिक के बारे में। मैंने कोशिश की कि सारा जो, जैसे मैं यहाँ पर चाहती तो सिर्फ आपको आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है वो सीधे ही एक ही वीडियो के अंदर 10 मिनट में तीनों प्रकार के बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होते हैं वो बता सकती थी, लेकिन जब हम पढ़ ही रहे हैं तो हम लोग पूरा पढ़ने की कोशिश करें कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले हमने देखा कि किस प्रकार से आयंस बनते हैं और किस किस प्रकार की यहाँ पर एंथैल्पी का यूज होता है, फिर किस प्रकार से आयनिक यौगिक बनते हैं, इनमें कौन सा बॉन्ड होता है, इनकी नेचर क्या होती है, इनके गलनांक क्वथनांक किस प्रकार के होंगे, हाई होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, यानी कि अत्यधिक उच्च तापमान की आवश्यकता होगी। फिर हम लोगों ने विलयता की बात की और मोस्ट इंपोर्टेंट जो गुणधर्म है वो है इनकी चालकता। तो ये ठोस और गलित दोनों ही अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग केवल आयनिक बंध, आयनिक यौगिक की ही बात करेंगे, क्योंकि फिर क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। और बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सहसंयोजक बंध और उप सहसंयोजक बंध के बारे में डिटेल से देखेंगे। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। आई होप आपको आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।